कमानी में स्थित सिनेमिन फैक्ट्री बनी लोगों के लिए जानलेवा। देखिए क्या है पूरा मामला। इतने ऑइल आले ले या लोकांच्या गाडीतून आणि त्याच्यामुळे आज हा मुलगा पडलेला आहे। ते आमच्याकडे सिमेंट कंपनीमुळे झालेला। आणि इकडचे आमदार असो नगरसेवक असो कोणी याच्यामध्ये पडण्याला कोणी याच्यामध्ये सामील नाहीये। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं आरएटीवी न्यूज। बता दें इन दिनों सोशल मीडिया पे कमानी सीमेंट फैक्ट्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो सीमेंट फैक्ट्री से स्कूली जो छात्र और छात्राएं होती है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कई बार उसकी गाड़ियों की चपेट में ये स्कूली छात्र और छात्राएं आ गए। बता दें दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है, जो कमानी पे स्थित सीमेंट फैक्ट्री है उसकी जो गाड़ियां निकलती है उससे सीमेंट गिरते रहता है और वो सीमेंट रोड पे गिरता है, जिसके बाद कई बार बाइक भी स्लिप हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रशासन किस तरीके से कुंभकर्ण की नींद सोते हुए नजर आ रहा है। बता दें हाल ही में एक वीडियो कल का है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसमें एक छात्र जो गाड़ी के चपेट में आ गया जिसके बाद उसको काफ़ी चोटें आईं। बता दें स्थानीय लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा सहयोग के बाद उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। बता दें काफ़ी चोट आने के बाद भी प्रशासन किस तरीके से कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। बता दें बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एल विभाग में काफ़ी बार शिकायत दर्ज कराई गई यूसुफ शेख द्वारा भी और संजय दनानाथ तिवारी द्वारा, कई सोशल एक्टिविस्ट कई जनप्रतिनिधियों द्वारा भी शिकायत दर्ज कराने के बावजूद किस तरीके से एलवार्ड कुंभकर्ण की नींद सोते हुए नजर आ रहा है। आंदोलन भी किया गया लेकिन फिर भी सीमेंट फैक्ट्री को नहीं बंद किया गया। आखिर ये किसके संरक्षण से चल रहा है और किसके मार्ग ये इस पर किसका हाथ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा देंगे किस तरीके से उस युवक को चोटें आई है और किस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। अब ये एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि किसी की जान जाने के बाद सीमेंट फैक्ट्री बंद किया जाएगा। ये सवाल के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ और वो वीडियो दिखा रहा हूँ जिसपे एक युवक को चोटें आई है, वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी वीडियो। हे बघा इथून हे ऑइल आलेलं आहे या लोकांच्या गाडीतून आणि त्याच्यामुळे आज हा मुलगा पडलेला आहे। हे आमच्याकडे सिमेंट कंपनीमुळे झालेला हा त्रास आहे। हा प्रत्येक वेळेला आम्ही रहिवासी म्हणून हा सहन करतोय। हा सगळं प्रत्येक वेळेला हे सिमेंट कंपनीमुळे झालेल्या आहे गोष्टी, खूप सारे त्रास होतात आणि इकडचे रहिवासी म्हणून आम्हाला या प्रत्येक वेळेला त्रास सहन करावा लागतो आणि इकडचे आमदार असो नगरसेवक असो कोणी याच्यामध्ये पडण्याला कोणी याच्यामध्ये सामील नाहीये। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरएटीवी न्यूज़। मैं फिर आज हूँ एक नए न्यूज़ के साथ अम्मार खान।